अभी मैं सेकुलर स्टडी कर रही हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। और अभी जो बेटर इंग्लिश कोर्स जो स्टार्ट किया गया है सर के द्वारा, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसमें जो भी वीडियो सर यूट्यूब में अपलोड करते हैं वो मतलब क्लियरली हम लोगों को समझ में आता है। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि मैं डेली सर की हर एक वीडियो वॉच करती हूँ और नोट्स भी बनाती हूँ ताकि मेरे को फ्यूचर में भी हेल्प कर सके। थर्ड नंबर पे जो आपने वीडियो अपलोड किया था प्रोनाउंसिएशन पे, तो वो ज़्यादा मुझे क्लियर थोड़ी सी लगा क्योंकि मुझे हमेशा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। समटाइम ब्रिटिश इंग्लिश भी है और अमेरिकन इंग्लिश भी है, तो समटाइम आई वाज कंफ्यूज विच लैंग्वेज आई हैव टू यूज इन फ्रंट ऑफ अदर व्हेन आई एम स्पीकिंग और गिविंग स्पीच अदर। तो when I watched for that video pronunciation, so little bit I cleared my some doubts also. So that video is more effective for me. I attend your all tested. So that also. सारे टेस्ट में तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आया, तो मैंने काउंट किया था। अच्छा। कुछ टेस्ट में मैंने अच्छे नंबर ले आए, कुछ में मैंने फुल मार्क्स भी लाया। तो जहाँ पर मेरे डाउट्स रहते थे या फिर जहाँ जो भी क्वेश्चन में गलत रहता था, रॉन्ग रहता था, तो उसको मैं एक बार फिर से रीड करती थी उसका पूरा टॉपिक। समटाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी उस मैटर पे डिस्कशन करती थी, तो फिर वो डाउट मैं अपने क्लियर करती थी उससे। तो आई थैंक यू सर फॉर योर वीडियोज़। I like your videos and also I can understand your all videos. मेरा नाम अवंतिका दुलिया है और मैं अभी बीटेक कर रही हूँ बीएड में, और आपका वीडियोस सब मैं देखती हूँ और अच्छा लगता है। It was great privilege to join your Better English group and learn from you so far. And it looks like that you are teaching in the easy way so that everyone can understand. I'm thankful that you opened the group so that we can ask the question. We can't speak fluently, so I hope in the coming days we'll get privilege to join and hear your videos and learning. Today I saw the grammatical mistake and I really now inspired from that, and कमिंग डेज आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ यू, आई होप सो। लेकिन एक बात पता चला कि जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या जो मैं समझ रहा हूँ, जब मैंने ग्रामर के जो टेस्ट है उसको अटेंड किया तब पता चला कि मैं कितना ग्रामेटिकल ठीक हूँ। सो मैंने अटेंड किया, आई थिंक 4 या 5 अटेंड किया हूँ, ज़्यादा तो नहीं किया, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। और देखा कि 60 या 70 जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये अच्छा मुझे मालूम चला मेरी कमियाँ। किसी ने कहा है हमको हमारी ताकत मालूम रहता है लेकिन कमजोरी हमको कई लोग छुपाते हैं, उसको मालूम नहीं करते। लेकिन थैंक यू फॉर द टेस्ट दैट आई कैन सी माई नाउ वीकनेसेस सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट। तो अच्छा लगा मुझे कि सिर्फ आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं लेकिन उसके साथ टेस्ट के लिए भी डाल रहे हैं। सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं लेकिन आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि हम कितना सीख रहे हैं ताकि हम देख सकें। और जो डिक्शनरी वाला इंट्रोडक्शन था वो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कुछ नया चीज़ सीखने को मिला। और जो ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा है कि वो जो टेस्ट वगैरह हो रहा है उसका प्रैक्टिस करने में अच्छा लग रहा है, उसका कितना इम्प्रूव में हुआ है उसका पता चल रहा है। और जो बीच में जो इडियम्स फ्रेजेस का जो इंट्रोडक्शन आता है वो भी कैसे सेंटेंस में यूज आता है उसका कुछ परफेक्ट मीनिंग वो भी सही लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीबॉडी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म Zoom. I'm Pravas Kosla. Basically I'm from Odisha and the district is called Koraput, and I'm an MA in Spanish from Jawala Nehru University, New Delhi, and I'm 3-year advanced diploma in Portuguese also. So I'm a dual language speaker. I can speak Spanish and Portuguese. And the first things I want to say, I come out from vernacular language background. That's called Oriya language. I studied Oriya till 10th. Then after class 2, I started my BA in Spanish and MA in Spanish. And I'm so glad that Mr. Nanda is taking an initiative to teach people. First of all, a lot of kudos to him for that initiative. Moreover, I am here to see how people come from different backgrounds. I need to understand, because everybody, you know, are not from the same platform. You know, I'm teaching in Spanish in an international school last 5 years, and that's an international school. People are from well-to-do families. They're pretty good in English, and they're from America. But I want to see our people. They come out from different walk of life. So you know, for that we need a lot of inspiration. If I am able to speak English, why can't you? That's a question. So keep the passion up, and let God bless you to achieve your goal. And once again, a lot of thanks goes to Mr. Nanda for his wonderful endeavor. I'm humbled by your words of appreciation. Thank you so much. And continue to be with us for an inspiration for the rest of our viewers and members of Better English with J.R. Nanda. अभी कह रहे हो कि हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आती, तो क्या हम जो हमारे एग्जामिनर बोर्ड है ना, जैसे हम 10th की एग्जाम देते हैं, 12th की एग्जाम देते हैं, वहाँ पर वो एग्जामिनेशन बोर्ड को क्या हम एक रिक्वेस्ट लेटर लिखें कि सर इंग्लिश हम समझ नहीं पाते, अगर वो इंग्लिश को आप हिंदी में सवाल हमें देंगे तो हम उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या हम ऐसे पूछ सकते हैं बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड को? मेरे ख्याल से हम कभी ऐसा नहीं कर सकते, और ये सवाल हम पूछेंगे वो भी क्या है, एग्जामिनेशन बोर्ड उसको नकार देगा, एक स्क्रैप पेपर्स करके उसको अपने डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जब भाषा हम सीख रहे हैं उसी भाषा में ही सब कुछ है। और इसलिए प्रियो, मैं जब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आपके पास जरूर एक इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी होगा या इंग्लिश ओडिया डिक्शनरी होगा, और उसका ही आप उपयोग करते हैं, ठीक है? तब इंग्लिश ओडिया डिक्शनरी या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का उपयोग करते हैं, उसमें आप क्या देखते होंगे, केवल मान लीजिए एक शब्द आपको समझ में नहीं आती, तो वो शब्द को आपने निकाला डिक्शनरी में और देखा, अच्छा इसका ये मतलब, क्या उसके बाद उस शब्द का प्रयोग कर पाते हो इंग्लिश में? आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि केवल शब्द का अर्थ अपनी भाषा में समझना ही काफी नहीं है। ये कहने का मतलब, उस शब्द को आप इंग्लिश में समझिए। और जब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी की बात करता हूँ, एडवांस्ड लर्नर्स की बात करता हूँ, जो डिक्शनरी है उसकी बात जब मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप वहां पे देखेंगे कैसे शब्द के बाजू में प्रोनाउंसिएशन टिप्स है, उसको कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आगे की जो हमारे क्लासेस में, फोनेटिक्स के बारे में और मैं क्लासेस लूंगा, और वहां पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा। प्रोनाउंसिएशन की बात हम करते हैं, वहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, ना हमें ब्रिटिश इंग्लिश की ओर जाना है, ना हमें अमेरिकन इंग्लिश की ओर जाना है, परंतु हमें एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन की ओर जाना है। ग्लोबली आप कहीं पर भी आप बिना एक्सेंट के, मतलब उन जो अंग्रेजों के समान पूरा एक्सेंट को ना करते हुए भी, आप अगर उसमें आप उस चीज को एक्सेप्टेड तरीके से उच्चारण करोगे तो वो समझ जाते हैं। और जब मैं कोडाई कनाल में अध्ययन किया और वहाँ अध्यापक भी रहा कुछ समय, वहां पे एक ब्रिटिश कोलीग मेरे को मिला, तो जब हम लोग बातचीत करते थे तो वो बोलते थे, ओ आई कैन इजीली अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, ऐसे बोलते थे। उनको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता था, इसलिए नहीं कि आई वॉज स्पीकिंग लाइक अ ब्रिटिश मैन और आई वॉज स्पीकिंग लाइक एन अमेरिकन, रादर आई स्पोक विथ एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अगर थोड़ा इसको हम लोग ऐसे करिकुलम में बनाए, जैसे कि एक ऑर्डर में है ना, अभी क्या है, कभी आप आर्टिकल लाते हैं, कभी नाउन लाते हैं, कभी आप प्रोनाउंस लाते हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, अच्छा हमारे हेल्प के लिए, लेकिन ऐसे ऑर्डर में लाएंगे तो शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। हम भी कुछ जिससे हम पता होगा कि सिलेबस के अनुसार कि कल क्या होने वाला है, हो सकता है हम भी यहाँ वहाँ से कुछ लेकर बैठे हैं, तो मैं समझता ज्यादा हेल्प हो पाएगा। आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो मेरा इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया, सेकेंड वीडियो में तुरंत मैंने बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए एक डिक्शनरी की आवश्यकता है, जो आपको और कोई सिलेबस में नहीं मिलेगा, कोई भी सिलेबस में ये बताया नहीं जाता कि आप डिक्शनरी पढ़े करके, तो इसलिए मैंने वो चीज डाला है। और तीसरा जो है, इंग्लिश डिक्शनरी जब आप सीखोगे तब आपका वोकेबुलरी कैसे आप इम्प्रूव कर पाओगे। और वोकेबुलरी के लिए मैंने, जैसे आप वोकेबुलरी में एक वर्ड है, हम इंग्लिश डिक्शनरी में जब हम शब्दों को ढूंढते हैं उसके लिए एक फ्रेजल वर्ड का उपयोग करते हैं, लुकअप। तो मैंने उसी लुकअप शब्द को लेकर के उसको मैंने एक्सपैंड किया ताकि उसमें जो लुकअप में जो स्टेप्स हैं हम सभी को याद रहें, और जब हम भी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उन्हीं स्टेप्स को हम प्रयोग करते हुए आगे हम वोकेबुलरी इम्प्रूव करें। वोकेबुलरी की बात क्या है, हमने ये देखने का प्रयास किया कि अगर आपके पास वर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा हो भी गया तो आप उनमें से सही शब्द सही समय पे कैसे उपयोग करोगे, जो उसका नेक्स्ट वीडियो था, राइट वर्ड एट द राइट टाइम, ये था। और उसके पश्चात हमने ये देखा कि वर्ड सब सीख गए लेकिन बोलने का क्या है, फिर हमने बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बारे में देखा। और अभी हम जो हमने शुरू किया है ग्रामर के ऊपर शुरू किया है कि हाउ यू कैन अवॉइड द मोस्ट कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स दैट पीपल डू, उसके बारे में हम उजागर कर रहे हैं। और आगे चल के मैं एक और वीडियोस लाऊंगा इसमें कि विच वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, सिमिलर साउंडिंग है। फॉर एग्जांपल ओवर ऊपर, एंड अबव वो भी ऊपर, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, व्हेन टू यूज ओवर एंड व्हेन टू यूज अबव। तो ये कुछ ऐसे हैं जो शब्दों को हम लाएंगे, और हमारा जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा, बीच बीच में हम उसको डालेंगे। और ये जो कन्वेंशनल सिलेबस के तरीके से हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुड इंग्लिश को बेटर इंग्लिश में तब्दील करने में कहाँ पे हम चूक जाते हैं, जहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया होगा, उन बातों को सबके दृष्टि में लाने का प्रयास ये कर रहा है। तो ये है, तो थैंक यू फॉर योर सजेशन, I'll consider that। and हम उसमें क्या है, आगे चल के जैसे धीरे धीरे हम इसको डेवलप कर रहे हैं तो उसका एक हम सिलेबस के रूप में जरूर इसको हम डालेंगे ताकि बेटर इंग्लिश का एक पैटर्न सिलेबस भी रहेगा। थैंक यू मिस्टर बिनो फॉर योर फीडबैक। अपने इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज ए लैब वेयर आई विल बी वॉचिंग ओवर यू एंड यू कंटिन्यू स्पीकिंग एंड देन आई, इफ आई फाइंड एनीथिंग to correct, I will be telling you then and there so that you can correct yourself. Okay, so ये प्लेटफॉर्म होगा, हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा आगे चल के। तो इसी के साथ हम आज की इस सभा को समाप्त करते हैं। बहुत कीमती समय आप लोगों ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर इंग्लिश विद J.R. नंदा, ये जो पहल है ये एक्चुअली ग्रामीण स्तर में हम एक क्वालिटी इंग्लिश को लेकर के जाना चाहते हैं। They cannot afford, they cannot access and they cannot avail, इसलिए बेटर इंग्लिश विद J.R. नंदा ये जो पहल है, so that making a good English accessible, affordable and available for those students who are in the remotest part of India।